जलालाबाद में स्थानिक हरकृष्ण रिसोर्ट में कांग्रेस के पार्टी के प्रधान और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ जंगलात मंत्री हंसराज जौसन, सुनील जाखड़ के अलावा और भी नामवर नेता उपस्थित थे। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कल वह लंबी दौरे पर थे और वहां की जनता अकाली भाजपा सरकार से बहुत दुखी है। वह चुनाव का इंतजार करिए कि वोटिंग आने पर इस गठजोड़ सरकार को सबक सिखा सके। जब उनसे कांग्रेस की फूट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि किसी तरह की कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व जंगलात मंत्री हंसा जोशी ने कहा कि कैप्टन साहब ने हल्के में प्रोग्राम शुरू कर दिए है और भारी सहयोग जनता द्वारा उन्हें मिल रहा है और जलालाबाद लोगों के साथ जो जातियां हुई हैं उनकी सरकार आने पर इनका पूरा हिसाब करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी पर गुटबाजी सवालों पर हंसराज जोशी ने भी किसी भी गुटबाजी होने से इनकार किया। लंबी में था प्रकाश से बात करते आज मैं सुप्रीम बात, तो आप देख रहे ना ये हालात की है, सारा जलालाबाद उठा हुआ है। सुखबीर जी बड़े कोण जी, आई एम जर्नलिस्ट। सुखबीर नहीं बढ़िया, 5 साल हो गए नहीं एमएलए ने साडे, एक बारी आए ने जी पहली रोड पूछो मैं की कहा दोनों कोई ना मेरी नजर आ गई। मैं तो तुम इतना कह सकता कि जितने का साडा सवाल है जदों कोई प्रोग्राम रखा जाता है किसी भी पंजाब च असीं जाते मैं नहीं पता मैं सिंह ने हल्के कैप्टन प्रोग्राम चालू किया। बड़ा भारी हंगारा मिलिया क्योंकि जलालाबाद के लोगों के नाल बड़िया जातियां हुई ने ते हजारां की गिनती दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह को लोग पेश हो रहे हैं ते लोगों नूं उम्मीद है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जदों पंजाब दे मुख्यमंत्री बन गए इन्हां सारियां गल्लां नूं जिहड़ा पूरा करनगे। पंजाब में फैले नशा माफिया को नकेल कसने के इरादे से चलाई गई मुहिम के तहत लुधियाना में जीआरपी पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने एक व्यक्ति को 1.5 किलो अफीम सहित लुधियाना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी पुलिस ने पत्रकार वार्ता को जानकारी देते हुए बताया कि स्टेशन पर तलाशी अभियान के दौरान बरेली के रहने वाले 22 साल के मोहम्मद गुफरान को 1.5 किलो अफीम के साथ काबू किया गया है जिसे वह आगे बेचने के लिए ले जा रहा था। वही पुलिस रिमांड लेकर इसे और पूछताछ की जाएगी कि ये कहां से आया और कहां जा रहा था। अभी तक इसका कोई भी आपराधिक कार्ड सामने नहीं आया। नशे के खिलाफ चलाई मुहिम के तहत उस समय एएसआई चेकिंग कर रही एएसआई जसवंत सिंह, एएसआई मेवा सिंह, एएसआई सुखदेव सिंह की टीम जी चेकिंग कर रही थी। दौरान चेकिंग इन्होंने एक मोहम्मद गुफरान सन इब्राहिम जिहड़ा यूपी बरेली का रहने वाला चेक किया जिसे को 1.5 किलो अफीम बरामद हुई है। प्लेटफार्म नंबर 2-3 चेकिंग कर रहे थे, ये को बैग तो 1.5 किलो अफीम बरामद हुई है जिसे खिलाफ मुकदमा नंबर 111 अंडर सैक्शन 18-65 एनडीपीएस दर्ज रजिस्टर करके तफ्तीश कर रहे। अज इन पेश अदालत करके रिमांड हासिल किया जाएगा। कोरी समाज सेवा समिति की ओर से लुधियाना के टिब्बा रोड स्थित चांद धर्मशाला में शिरोमणि संत कबीर साहब के 618वें जन्म दिवस पर चौथे वार्षिक सत्संग एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित कबीर पंथियों ने भाग लिया। समारोह में संतों ने कबीर वाणी सुनाकर श्रद्धालुओं को निहाल किया। इस अवसर पर मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे लुधियाना भाजपा के जिला प्रधान रविंदर उड़ा ने श्रद्धालुओं को संत कबीर के दर्शाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। परम पूज्य संत कबीर दास जी महाराज जी की 618वीं जयंती से असि नतमस्तक होने इतने सत्संग महाराज कबीर दास जी का आशीर्वाद जो उन्होंने सिखियावां समाज में एक सूत्र च पाने दतिया और परम श्रद्धे स्वामी जी सत्संग कर रहे हैं उन्होंने तो बहुत चंगी सेहत समाज में मिली है और महाराज कबीर जी ने अपना सारा जीवन नाम सिमरन प्रभु भक्ति समाज में जोड़न दे चलाया। कोरी समाज सेवा समिति वालों असी हर साल कबीर दास जी का जन्मदिन मनाते हैं। इस बार भी असी कबीर दास जी महाराज जी का 618वां जन्मदिन असी मना रहे हैं टिब्बा रोड से। असी जिन्हें भी आई हुई संगत ने ते जिन्हें भी साडे माननीय अतिथि आए हुए उन्होंने सारे का असी धन्यवाद करते हैं।